हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद नीलू में। और मैं बोल रही हूँ नीलू। और आज देखिए, आज मैं फिर से लाई हूँ आप लोग के लिए थ्रेडिंग्स के वीडियो। और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छी अच्छी कमेंट करें। और देखिए, मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ कस्टमर की, और मैं किस तरह से कर रही हूँ देखिए। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं मेरे वीडियो से। और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि मैम मुझे भी सीखना है आईब्रो, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं मेरे वीडियो से। मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं करती वीडियो को और ना ही ज़्यादा एडिटिंग करती हूँ। मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ, बाकी सारे क्योंकि काम करते वक्त मैं बोल नहीं सकती, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ और बिल्कुल कुछ भी एडिटिंग नहीं है। और मैं बिल्कुल लाइव दिखाती हूँ आप लोगों को वीडियो। और देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। उनके आईब्रो घने हैं पर बहुत लंबे नहीं हैं ज़्यादा, और फोरहेड में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, पर आईब्रो में बाल हैं बहुत सारे और वो मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे। और धागा देखिए मैं किस तरह से पकड़ी हूँ। इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करें अपने घर पे। और मेरा वीडियो कैसा लगता है वो आप अच्छे से कमेंट करके बताएं। अगर कुछ पसंद ना आए तो भी और पसंद आए तो भी कमेंट करें, वो मैं कोशिश करूँगी ठीक करने की। और देखिए अभी मैं किस तरह से कर रही हूँ थ्रेडिंग इनके। और धागा चलाते वक्त बिल्कुल भी ध्यान रखें कि आपके धागे में स्किन ना आए उनके, और बिल्कुल भी कटे नहीं। और देखिए मैं किस तरह से अभी कॉर्नर पे निकालूँगी। फोरहेड हो चुके हैं एक साइड के और आईब्रोज भी हो चुके हैं लगभग। और अभी मैं एक साइड के कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर दूसरी साइड जाऊँगी। इसके लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस तरह से किया है। और देखिए कैसे मैं आराम से निकालती हूँ एक एक बालों को। और आप लोग को भी इसी तरह कोशिश करनी है एक एक बालों को निकालने के लिए। और आईब्रो बनाने से बहुत अच्छा लुक आता है। और पहले तो आपको थ्रेड पकड़ना अच्छे से आ जाएगा। धीरे धीरे चला चला के मेरे वीडियो को देखते रहें ध्यान से, और इससे आपको अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कुछ अलग सीखना है तो आप कमेंट करें कि मुझे इस तरह का वीडियो चाहिए। और मैं इनको पूछ रही हूँ कि आपको और भी पतला चाहिए या मोटा, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग इनके दूसरे भी बनाऊँगी। क्योंकि कहीं कहीं पे आईब्रो जो है फ्लैट कर देते हैं तो वो माउंट शेप में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मेरे पास ही आती हैं और ये इस बार पूरे बढ़ा के आई हैं और बोल रही हैं कि मुझे मोटा ही रखना है थोड़ा, तो इसलिए मैंने इन्हें दिखा दिया पहले कि देखिए ठीक है या नहीं। फिर अगर उन्होंने अभी ठीक बोला इसलिए मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ। मुझे एक बार जो कस्टमर बोल देते हैं मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि मैं मुझे क्या करना है, और मैं उसी तरह से उसी अकॉर्डिंग्स काम करती हूँ। क्योंकि देखिए मैंने एक बार में ही उन्हें दिखाया और बोली ठीक है। फिर मैं अभी दूसरी साइड जा रही हूँ, दूसरी साइड भी उनकी उसी तरह बनाऊँगी, कम्प्लीट करूँगी आईब्रो। क्योंकि कहीं भी ये बहुत पहले दूसरी जगह जाती थी तो इनका आईब्रो बना बना के पूरे फ्लैट हो गया था सीधा, और मैंने उसे माउंट शेप में किया है क्योंकि उन्हें माउंट शेप में ही चाहिए था। और इनके आईब्रो का जो फेस अकॉर्डिंग है माउंट शेप ही आईब्रो है रियल में, और ज़बरदस्ती उसे सीधा बना देने से वो बेकार दिख रहा था बहुत, तो मैंने उसे माउंट शेप में ला दिया है बना बना कर। और ये मेरे पास ही आती हैं तो इसलिए अभी मैं देखिए किस तरह से इनकी थ्रेडिंग कंप्लीट करूँगी। और इसका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। और देखिए मैं किस तरह से फोरहेड कर रही हूँ। आप नए हैं तो बिल्कुल भी इजीली सीख सकते हैं मेरे वीडियो से। आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकती हैं कि ऐसा किस तरह करना है, वैसा किस तरह करना है, तो मैं कमेंट करके उनकी आपको रिप्लाई दूँगी।
और इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी डायरेक्ट दिखाती हूँ आसान तरीके से कि आप सीख सकेंगे अच्छे से। शायद आपकी कोई हेल्प हो जाए तो इसमें मैं अपनी वीडियो को बहुत और हेल्प हो जाए आपके लिए मेरा वीडियो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो, और साथ में अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे भी हेल्प हो जाएगा। और बस इसी तरह आप लोग मुझे अपना प्यार देती रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करती रहें। खास करके नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट करती हैं और मुझे हर रोज़ थ्रेडिंग्स के वीडियो अपलोड करने बोलती हैं, और वो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित कर रही हैं कि मैं आगे बढ़ूं और भी ज़्यादा वीडियो डालूं। इससे मुझे बहुत ही एनर्जी मिलता है और बहुत ही अच्छा फील होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उनका कमेंट पढ़ के। और मुझे लगता है कि मैं हाँ और भी वीडियो डालूं, कि मेरे वीडियो अच्छे हो रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट आ रहे हैं। और भी हैं बहुत सारी बहनें जो मुझे कमेंट कर रही हैं, और उनमें से एक है फैशन स्टाइल करके, वो भी बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। और बस इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रहें। अब आप लोग ही मेरा पूरा परिवार है, आप लोग जितना कमेंट करेंगे लाइक करेंगे मैं उतनी ही आगे बढ़ूँगी। बस आप लोग मुझे हिम्मत देती रहें अच्छी अच्छी कमेंट करके, मैं इसी तरह अपनी वीडियो डालती रहूँगी, कोशिश जारी रखूँगी, और आप लोग मुझसे सीखते रहें। बस और कुछ नहीं चाहिए। और बस देखिए अभी मैं किस तरह से इनकी थ्रेडिंग कंप्लीट करूँगी, फिर इन्हें हेयर कटिंग भी करनी है, तो पहले इनके आईब्रोज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इनकी हेयर कटिंग करूँगी और उसके वीडियो में किसी और दिन डालूँगी। और इनकी बाल जो है लंबे हैं और बहुत ही ड्राई हो चुके हैं और टूट झड़ रहे हैं, तो इन्हें बालों को बहुत शॉर्ट करना है, तो उसके वीडियो में फिर किसी दिन अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आज वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा नेहा जी ने बोला है करीब 10 मिनट का वीडियो होना चाहिए मैम, तो इसलिए आज मैंने कोशिश की है 10 मिनट की वीडियो को अपलोड करने की। और देखिए अभी मैं किस तरह से इनके कंप्लीट करूँगी आईब्रो, और बस मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ किस तरह करना है। इनके आईब्रो घने हैं बहुत, लंबाई कम है, छोटे हैं पर बहुत घने हैं, और इसलिए बहुत संभाल कर बना रही हूँ इनके आईब्रो, क्योंकि सामने बहुत सारे बाल हैं और उसे बहुत बारीकी से निकालना पड़ रहा है। और देखिए अभी मैं किस तरह से इनकी कंप्लीट करने वाली हूँ थ्रेडिंग, और आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। जैसा कि मैंने बोला है धागे को किस तरह से पकड़ना है, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी धागे पकड़ने की। मैंने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में धागा किस तरह से पकड़े उसका वीडियो डाला है, अगर आप सीखना चाहती हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख कर सीख सकते हैं धागे को पकड़ने के लिए। अगर आपको उससे समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे अच्छी तरह से कमेंट करें, मैं फिर से धागा पकड़ने के वीडियो अपलोड कर दूंगी। और धागा पकड़ना सबसे मेन होता है, अगर आपको धागा पकड़ना आ जाएगा तो आपको फिर थ्रेड चलाना भी आ जाएगा, और थ्रेड चलाते चलाते प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी धीरे धीरे, बस प्रैक्टिस करना है फोरहेड पे और जैसा कि मैंने बोला अपने पैर पर उसी तरह। और जब थोड़ी सी भी धागा चलाने आ जाए फिर आप किसी के ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर आपको इसी तरह करते करते थ्रेडिंग्स आ जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से डाला है वीडियो धागा पकड़ने के, और आप देख लेंगे, लिंक शेयर है मेरा, और लिंक शेयर में देखिए वीडियो आप कोशिश करेंगे ढूँढिएगा तो मिल जाएंगे धागा किस तरह चलाएँ। और इनका आईब्रो देखिए लगभग कम्प्लीट हो चुका है, और धागा जो है 40 नंबर का ही होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, और ये आपको कहीं भी मिल सकता है इजीली धागा चलाने का। और अभी मैं चेक कर रही हूँ उनकी आईब्रोज को, फिर इन्हें फाइनल कंप्लीट टच दूंगी। और देखिए जो भी है आपके सामने है, मैं सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें कुछ एडिटिंग नहीं है, बिना एडिटिंग किया हुआ वीडियो है।
और देखिए अभी इनके हो गई है आईब्रोज कंप्लीट। और अभी ये देखिए इनका फाइनल रिजल्ट कितना सुंदर आया है माउंट शेप में। इनकी आईब्रोज की लंबाई थोड़ी कम है और देखिए इनका आईब्रोज हो चुका है कंप्लीट और इनका बहुत सुंदर लुक आया है। आईब्रो को अच्छी तरह से चेक कर रही हूँ और देखिए ये कंप्लीट हो चुका है और अभी हो गया है इनकी थ्रेडिंग कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में।